दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। ऐसा आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। न सिर्फ दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन आरएसएस को बताया जाता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि भारत में समाज को और देश को तोड़ने के लिए आरएसएस लगातार काम कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक और जेएनयू से लेकर एएमयू तक तमाम जगह पर आरएसएस की आलोचना होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जी भर भर के गाली दी जाती है। लेकिन क्या वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है? ये जानने के लिए, इन बातों के सच को जानने के लिए, इन बातों में कितना तथ्य है इसको समझने के लिए आपको आरएसएस को समझना होगा, जानना होगा। इतने सालों तक ये झूठ लगातार परोसा गया, बार बार परोसा गया और दुनिया इस पर भरोसा करती रही। इसलिए भरोसा करती रही क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कभी भी प्रचार में विश्वास नहीं करता था। बीते एक दशक में आरएसएस थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोग थोड़ा बहुत जानने लगे। लेकिन उससे पहले संघ को लोग सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते थे, आरएसएस को वो सिर्फ ये जानते थे कि कुछ लड़के, कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग पार्क में आते हैं, भगवा लगाते हैं और उसके बाद लाठी लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, या फिर उनको लगता था कि कुछ खेल खेलते हैं बड़ी बड़ी निक्करें पहनकर। आरएसएस के मायने इतने ही थे आम लोगों के लिए। लेकिन बीते कुछ दशक में, खासकर बीते एक दशक में आरएसएस थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। आरएसएस को लेकर बहुत कुछ किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत कुछ सेमिनार, संगोष्ठी होती है और इसलिए अब आरएसएस को लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। आखिर आरएसएस है क्या और क्यों इसका विरोध होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आरएसएस की स्थापना दरअसल क्यों हुई और कब हुई। 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, यानी उस वक्त जब देश यानी भारत आजाद भी नहीं हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी की लड़ाई में योगदान क्यों नहीं है? पर सच तो यह है कि 1925 में जब डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने जब आरएसएस की स्थापना की थी, तब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह आया था कि देश तो आज नहीं तो कल आजाद हो जाएगा। क्योंकि दरअसल 1920 और 1925 के बाद जो माहौल बनने लगा था, उससे उसको देखकर सबको ये लगता था कि भारत जो है वो जल्दी आजाद हो जाएगा। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार भी कभी कांग्रेस से जुड़े थे और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे, लेकिन 1925 में उन्हें जब यह आभास हुआ कि एक न एक दिन तो भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन उनके मन में यह ख्याल आया कि भारत आजाद तो हो जाएगा लेकिन कहीं ऐसा तो ना हो कि एक बार फिर से भारत गुलाम बन जाए। उन्होंने सोचा, इस पर चिंतन किया, विचार किया कि आखिर भारत गुलाम क्यों बना था। तो उनको लगा दरअसल भारत गुलाम इसलिए बना था क्योंकि भारत बटा हुआ था रजवाड़ों में और तमाम जो हिंदू समाज था वो पूरी तरह से बटा हुआ था, विभक्त था। और इसी बंटवारे का, इसी विभाजन का फायदा उठा करके कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। और जब डॉक्टर हेडगेवार के मन में ये भाव आया, तब उन्होंने सोचा कि अगर भारत को दोबारा गुलाम नहीं बनाना है तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि भारत के तमाम लोग एकजुट हों, और कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो व्यक्ति निर्माण के बारे में सोचे, क्योंकि व्यक्ति निर्माण होगा तभी समाज का और राष्ट्र का निर्माण होगा। और इसीलिए 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। 1925 से लेकर आज अगर बात करें तो आज आरएसएस को लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं। और अगर आरएसएस वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन होता, अगर वास्तव में देश विरोधी संगठन होता, अगर वास्तव में भारत को, समाज को बांटने वाला संगठन होता, तो 100 साल के बाद भी, यानी लगभग 100 साल पूरे करने वाले संगठन लगातार इस तरह से बढ़ नहीं रहा होता। क्योंकि हम जानते हैं जो विभाजनकारी ताकतें होती हैं, जो बांटने वाले होते हैं, उनका जादू, उनके जो बांटने की जो पूरी विचारधारा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, लेकिन जोड़ने वाली विचारधारा वो ज़्यादा दिन तक चलती है और मजबूती से आगे बढ़ती है। और आज स्थिति ये है कि आज जब आरएसएस लगभग अपने 100 साल पूरे जल्दी करने जा रहा है, तो आरएसएस लगातार मजबूत हो रहा है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने, अभी दुनिया के नहीं कहना चाहिए बल्कि भारत के कहना चाहिए, भारत के सबसे मजबूत लोगों की एक लिस्ट जारी की।
और उसने कहा कि भारत के जो सबसे ताकतवर लोग हैं उसमें तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत हैं। जी हाँ, तीसरे नंबर पर। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो सबसे भारत के जो कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार मजबूत हो रहा है। आज पूरे देश में संघ की 60,000 से ज्यादा शाखाएं चलती हैं, करोड़ों करोड़ लोग संघ से जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि संघ में कभी निक्कर पहन के उन्होंने महिलाओं को नहीं देखा। ये राहुल गांधी का दिखाता है कि राहुल गांधी संघ को कितना जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाकायदा महिलाओं की एक अलग विंग है जिसको राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं, और राष्ट्र सेविका समिति की अलग अलग शाखाएं लगती हैं और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और सिर्फ राष्ट्रीय जो है राष्ट्र सेविका समिति नहीं, बल्कि कुल मिलाकर देखें तो संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 35-36 उसके अनुषांगिक संगठन हैं। अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में अगर हम देखें तो ABVP जैसा संगठन है जो लगातार छात्रों को जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद जो है, और इस तरह के कई संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस वक्त हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक वो ऐसी शाखा है जो दुनिया के अन्य देशों में काम करती है, आज वो 150 से ज़्यादा देशों में उसका काम फैल चुका है। यानी ये संस्था ऐसी है जो लगातार मजबूत हो रही है, और संघ ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, लक्ष्य तय किया है कि साल 2025 में जब संघ को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो संघ की देश भर में 1,00,000 से ज्यादा शाखाएं हो जानी चाहिए। और इस वक्त अगर कहें, बीते 10 सालों में अगर कहें, तो संघ की शाखाओं में करीब करीब 60% से ज्यादा वृद्धि हो रही है। और अगर आप आंकड़ों पर यकीन करें तो करीब करीब हर साल 125 युवा जो हैं वो संघ से जुड़ने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल एक ऐसा संगठन है जो मजबूती से देश को काम, देश में और समाज में काम कर रहा है, देश को और समाज को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि भारत में इस वक्त राष्ट्रवाद की धारा, देशभक्ति की धारा मजबूत हो रही है, और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आज अपने जब 100 साल पूरे कर रहा है तो लगातार मजबूत हो रहा है। तो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसने से, इसको गाली देने से, ये कहने से कि ये खतरनाक संगठन, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि आपको संघ को समझना होगा, जानना होगा। और बहुत से लोग तो आज कहते हैं कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने परिवार में कम से कम किसी एक व्यक्ति को संघ की शाखा में जरूर भेजिए, या फिर संघ के किसी अनुषांगिक संगठन में जरूर भेजिए ताकि वो समाज के लिए और देश के लिए काम कर सके। सबसे बड़ी बात है जो राहुल गांधी से, जहां से मैंने शुरू किया था, वहां एक बार फिर आता हूं कि अगर संघ वास्तव में खतरनाक संगठन होता, देश को समाज को तोड़ने का काम कर रहा होता, तो आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो आतंकवादियों के निशाने पर होते? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जिन लोगों की हत्याएं आतंकवादियों ने की हैं वो दरअसल संघ के कार्यकर्ताओं की हैं। और जम्मू कश्मीर से लेकर, कश्मीर से लेकर केरल में आ जाएं तो केरल में जो PFI संगठन है, जो दरअसल सिमी का एक बदला हुआ रूप हम कहते हैं, सिमी जो आतंकी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लग चुका, बैन लग चुका है, जिसका एक बदला रूप कहते हैं PFI को, उस PFI ने केरल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 125 स्वयंसेवकों की अब तक हत्याएं की हैं। तो अगर वास्तव में यह देश विरोधी संगठन होता तो क्यों लश्कर-ए-तैयबा से लेकर PFI जैसे संगठन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर रहे होते? दरअसल ये हत्याएं इसलिए की जाती हैं ताकि देश को, समाज को जोड़ने का काम जो संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं वो काम ना हो, वो काम आगे ना बढ़ने पाए और भारत कमजोर हो। संघ कमजोर होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमजोर होगा, तभी भारत कमजोर होगा। आतंकवादी संगठनों के मन में, भारत विरोधी ताकतों के मन में ये बात हमेशा रहती है, और इसीलिए संघ को लगातार निशाने पर लिया जाता है, संघ को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, संघ कमजोर नहीं हो रहा बल्कि लगातार मजबूत हो रहा है। संघ को जानने समझने की जरूरत है, और इसीलिए मेरे YouTube चैनल पर हफ्ते में एक बार कम से कम हम संघ के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। जो सवाल उठते हैं संघ को लेकर, RSS को लेकर जो विवाद उठते हैं, उन पर भी खुली चर्चा करेंगे और संघ को पास से, नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज अगर आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको संघ को, RSS को जानना, समझना
बहुत जरूरी है। आज के लिए मेरे YouTube चैनल पर सिर्फ इतना ही, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर बता दूं, ऐसी और ढेर सारी जानकारी आपको लगातार मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी, तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।